वेलकम टू स्टूडेंट डिक्टेशन। डिक्टेशन 5 सेकेंड बाद शुरू होगा। रेडी स्टार्ट। यह ठीक है कि भारत में हालात अभी उतने नहीं बिगड़े जितने कि कई पश्चिमी देशों में बिगड़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर कोरोना वायरस का संक्रमण पिछले 3 दिनों में जिस तेज़ी से बढ़ा है वह परेशान करने वाला है। संक्रमण के मामलों की संख्या का 4000 के आंकड़े को पार कर जाना इसी ओर इशारा कर रहा है। इस दौरान यह संक्रमण देश में 100 से ज़्यादा लोगों की जान ले चुका है। दिल्ली के तबलीगी जमात मरकज की घटना के बाद आशंकाएं ज़्यादा ही गहरा रही हैं। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि इस घटना से पहले भारत के संक्रमित लोगों की संख्या जहां एक सप्ताह से भी ज़्यादा समय में दोगुनी हो रही थी, वहीं अब महज 4 दिनों में दोगुनी हो रही है। इसी गणित को आगे बढ़ाते हुए यह अनुमान लगाया गया है कि अगले 6 दिनों में भारत में संक्रमित लोगों का आंकड़ा 10,000 को पार कर सकता है, वह भी तब जब पूरे देश में लॉकडाउन है और लोगों के आपसी संपर्क को यथासंभव कम से कम कर दिया गया है। सभी विशेषज्ञ इस बात पर सहमत हैं कि अगर यह लॉकडाउन समय रहते न लागू किया गया होता तो स्थितियां शायद और भी भयावह हो सकती थीं। हालांकि कोरोना वायरस के संक्रमण का पूरा मामला काफ़ी जटिल है और लॉकडाउन के बावजूद यह अपने पैर पसारने की थोड़ी बहुत गुंजाइश तलाश ही लेता है। अच्छी बात यह है कि सरकार इस जटिलता को पूरी तरह समझ रही है और इसी में हम कोई उम्मीद भी देख सकते हैं। इस मामले में सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा वह हमें आश्वस्त करता है। भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस के मौके पर अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें कोरोना वायरस के संक्रमण के खिलाफ एक लंबी लड़ाई लड़नी है और इस बीच में न हताश होना है और न ही हाथ पर हाथ धरकर बैठना है, तभी हम इस लड़ाई में विजयी होकर बाहर निकलेंगे। इसी के साथ प्रधानमंत्री ने दूसरे कई मोर्चों पर पिछले 1 दिन में सक्रियता दिखाई है। उन्होंने विपक्ष के सभी बड़े नेताओं से बात की, जाहिर है वह इस मसले पर एक राष्ट्रीय आम सहमति भी बनाना चाहते हैं। कुछ छोटी मोटी बातों को छोड़ दें तो विपक्ष ने भी अभी तक
इस मामले में सरकार का पूरा साथ दिया है। साथ ही सरकार कई दूसरे मोर्चों पर भी तैयारियां कर चुकी है। जैसे यह तय हुआ है कि अब देश में हर रोज़ 20,000 लोगों से भी ज़्यादा का टेस्ट होगा। अभी तक देश में टेस्ट करने की गति काफ़ी धीमी थी और इसके लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत की काफ़ी आलोचना भी की थी। स्टॉप।